आपको खबर तो मिल चुकी होगी, इंडियन एयरलाइंस का हाईजैक प्लेन लैंड हुआ। टीम हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। 10-12 हॉस्टेजेस के जान लेना उनके लिए बड़ा बात नहीं है। ये सब मामले डिप्लोमेसी से हल किया जाता है। Our officials will handle. तेहरान से जॉन अब्राहम ने अपने फर्स्ट लुक से मचाया तहलका। क्या होने वाली है फिल्म की कहानी और खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जुयाल। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर सुर्खियों में है। इन दिनों वो फिल्म एक विलन रिटर्न्स की प्रमोशन कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ अर्जुन कपूर, तारा सुतारिया और दिशा पाटनी है। वहीं अब जॉन अब्राहम ने अपनी अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। जॉन एक्शन थ्रिलर फिल्म तेहरान में नजर आएंगे। उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और अब इस फिल्म से जॉन का पहला लुक भी सामने आ चुका है। मेंडोक फिल्म्स ने जॉन अब्राहम की अगली फिल्म का ऐलान करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्टर का लुक दिखाया गया है। इस चंद सेकेंड के वीडियो में जॉन बेहद कड़क एक्सप्रेशन के साथ नजर आ रहे हैं। उनका लुक भी किसी को डराने के लिए काफी है। मेंडोक फिल्म्स ने जॉन का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए ट्विटर पर कैप्शन लिखा, लाइट कैमरा और थोड़े से एक्शन के साथ तेहरान की शूटिंग शुरू। जॉन ने भी अपने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर की है और फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं। जॉन की एक्शन थ्रिलर फिल्म तेहरान सत्य घटनाओं पर आधारित है, जो अरुण गोपालन के निर्देशन में बन रही है और इसकी शूटिंग ईरान में होगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें 29 जुलाई को थिएटर में रिलीज होने जा रही है एक विलन रिटर्न्स। इसके अलावा वो शाहरुख खान की पठान में अहम किरदार निभाएंगे। इस फिल्म में शाहरुख और जॉन के साथ दीपिका हैं। ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी, यानी कि तेहरान और पठान का क्लैश भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कितना इंतजार है आपको जॉन की फिल्मों का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।